हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नैनो क्रिएटिविटी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाथी बनाना। हाथी यानी कपड़े का हाथी बनाना। इसके लिए हमने एक लिया है हाथी का सांचा। ये मैंने खुद से बनाया है, आप भी इसे बना सकते हो। इसका मेजरमेंट है, इसकी लंबाई है 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 26 सेंटीमीटर। अब हमने 2 लेयर फैब्रिक लिया है और इस सांचे को रख कर इस पर ड्रॉ कर लिया है। आप भी ध्यान से देखोगे तो ये सांचा अच्छी तरह से बना लोगे। हम इसे ड्रॉ करके कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर लिया है और इसका 2 पार्ट है। अब हाथी के पैर को हम तैयार करेंगे। हाथी के पैर को तैयार करने के लिए हम हाथी को बीच से मोड़ेंगे, नीचे वाले पार्ट को, और सेम उसी तरह का एक नया सांचा तैयार कर लेंगे और इसको फिर हम ड्रॉ करेंगे। इसको 2 पार्ट में हम लोग ड्रॉ करेंगे, 2 पार्ट्स बनाएंगे। मैंने एक पार्ट, देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पार्ट को ड्रॉ कर लिया है और ठीक वहीं से सटाकर उलटकर दूसरा पार्ट भी ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कट कर लिया है और कट करने के बाद इसे हम मोड़ लेंगे और हम लीव वाले हिस्से के पास इसमें थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने से क्या होता है कि हमारा सिलाई अच्छा होता है और कॉटन भरने में भी हमें काफ़ी सहूलियत होती है। अब हम हाथी के कान को ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसे कट कर लेंगे। मैंने देखिए हाथी का कान बना लिया है। अब हम चलते हैं हाथी की सिलाई करने के लिए। हमने इसके दोनों पार्ट को उल्टा करके रख लिया है और उल्टा करके रखने के बाद इसके बीच से, इसके धड़ के बीच से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने सिलाई स्टार्ट किया है और इसके धड़ को हम सिलाई करेंगे। धड़ का सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसके सूंड के पास से सिलाई करेंगे और पुनः गले तक ले जा करके इसको छोड़ देंगे। ये पूरा सिलाई हम लगातार करते जाएंगे और सिलाई करते समय हम ध्यान देंगे कि थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से सिलाई करें, क्योंकि कॉटन भरने के समय ये खुल भी जाता है। आप चाहें तो मशीन पर भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। हम भी मशीन पर सिलाई कर सकते थे, मगर हमको लगा इतनी छोटी सी बात के लिए, इतनी छोटी सी सिलाई के लिए मशीन पर ले जाना और सिलाई करना अच्छा नहीं है, इसलिए हम इससे हाथ ही से ये सिल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप हाथ से भी सिल सकते हो और मशीन से भी, सिलाई मशीन से भी सिल सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका सिलाई कर दिया है और ये देखिए, ये पैर के जहाँ तक इसके पैर का सीधापन आ रहा है वहाँ तक हमने इसका सिलाई कर दिया है। अब हम इसके लेग्स को खोलेंगे और लेग्स को खोलने के बाद जो लेग्स वाला पार्ट हमने पहले से तैयार करके रखा था इसको हम इसमें जोड़ देंगे। अब हम यहाँ बीच से गले वाले जहाँ से हमने सिलाई बंद किया था ठीक वहीं से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरे लेग्स को चारों तरफ से सील देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ के लेग्स का सिलाई कर दिया है, ठीक उसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है और यहाँ धड़ वाले हिस्से पर पीछे वाला हिस्से को थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है ताकि उसमें हम कॉटन डालेंगे। अब हम सिले हुए हाथी को पलट लेंगे, पलट करके इसको अच्छी तरह से पलट लेंगे। किसी नुकीले चीज़ की सहायता से इसके हर छोर को निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे ताकि हमें कॉटन भरने में काफ़ी सहूलियत हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके इसको चारों तरफ से उलट लिया है और पेंसिल की सहायता से इसके कोनों को निकाल लिया है। अब हम इस इंटर कर रहे हैं इसमें कॉटन। कॉटन ये प्लास्टिक कॉटन है और इससे क्या होता है, इस कॉटन को डालने से क्या होता है कि हम अपने ट्वाइज जो है उसको अच्छी तरह से वाश कर लेते हैं और ये जल्दी से सूख भी जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसे हम वाशिंग मशीन में भी वाश कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, कॉटन डालते समय हम कॉटन को थोड़ा टाइट ही डालेंगे और पेंसिल की सहायता या किसी भी नुकीले चीज़ की सहायता से बड़ी बढ़िया से इसको टाइट से डाल लेंगे, ताकि ये जब हम कॉटन अगर ढीला डालते हैं तो हमारा ट्वाइज जो है सही से खड़ा नहीं होता है। तो हम कॉटन डालते समय ध्यान देंगे कि बढ़िया से कॉटन डालें। अब हम इसके पीछे वाले हिस्से को, जहाँ से हमने कॉटन को इंटर किया था, वहाँ वाले हिस्से को सिलाई कर लेंगे। अब हम बीच के हिस्से में जहाँ से हमने ट्रिम किया था, कट किया था, वहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। ताकि यहाँ पर सिलाई लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ कट करने से क्या होता है कि हमारा जो पैर जो है पूरी तरह से सीधा होता है यहाँ तक, और सीधा भी रहेगा और ये खड़ा भी आसानी से रहेगा, और कॉटन इंटर करने में भी काफ़ी हमें सहूलियत होता है। अब हम इसके कान को बनाएंगे। इसके कान बनाने के लिए मैंने पहले से कट करके रखा था, मैंने सेम उसी साइज़ का एक वाइट कलर का भी फैब्रिक का कट कर लिया है, और अब हम दोनों को जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स, मैंने इसे पलट लिया है। पलटने के बाद हम इसे नुकीले चीज़ की सहायता से इसके कॉर्नर्स को निकाल लेंगे, ताकि ये देखने में सुंदर लगे। अब हम इसके वाइट वाले पार्ट्स में दो चुन्नट लगाएंगे और इस पर हल्का टाँका, कच्चा टक्का टाँका लगा लेंगे। अब हम हाथी के कान की सिलाई कर लेंगे। इसके लिए पहले हम कान को उल्टा रखेंगे और एक पक्का टाँका लगा लेंगे। उल्टा करके एक पक्का टाँका हम लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे उलट करके एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे, ये भी पक्का टाँका लगाएंगे, ताकि हमारा जो कान है, हाथी का कान जो है, वो अपने जगह पर फिक्स हो जाए। अब हम हाथी का पूंछ बनाएंगे। पूंछ बनाने के लिए मैंने लिया है एक पतला सा कपड़ा और इसके बीच से हम सिलाई लगा लेंगे और इसका एक पोनी बना लेंगे, और अब इस पूंछ को हम हाथी में फिट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूंछ को फिट कर लिया है। अब हम हाथी के आइज़ को बनाएंगे। आइज़ बनाने के लिए मैंने पहले एक सुई में धागा पिरोया है और हाथी के आइज़ वाले भाग पर काफ़ी कस के सिलाई कर दिया है, ताकि दोनों तरफ गड्ढा हो जाए और गड्ढा होने से आइज़ बहुत अच्छे दिखते हैं। अब मैंने वाइट कलर के फैब्रिक पर दो सर्किल ड्रॉ किया है और इसे कट कर लिया है, और इसको हम इससे हम हाथी का आइज़ बनाएंगे। अब फैब्रिक ग्लू की सहायता से ये दोनों सर्कल हमने चिपका दिया है, और फिर मैंने उस पर ब्लैक कलर से हाथी के आइज़ को ड्रॉ कर दिया है। अब ये देखिए, हाथी का आँख बन के तैयार है। आप चाहें तो गुगली आइज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाइट फैब्रिक कलर से हाथी के पैर को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे और इसके पैर के डिज़ाइन को बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वाइट फैब्रिक कलर से इसके पैर को डिज़ाइन कर दिया है, और ये डिज़ाइन बनाने से हाथी में थोड़ा सा बढ़िया और बढ़िया लुक आ गया है। और ये देखिए, मेरा कपड़े का हाथी क्लॉथ एलिफेंट बनके तैयार है। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।